पेशाब से प्रोटीन आना एक गंभीर रोग की तरफ इशारा करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके यूरिन से प्रोटीन आ रहा होता है, और ये पेशाब से जो प्रोटीन आता है यही आगे चलकर किडनी को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। अगर आज आपके पेशाब से +1 या +2 प्रोटीन आ रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसके भी पेशाब से प्रोटीन आ रहा है या जिसके भी पेशाब से एल्बुमिन आ रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें ताकि इससे किसी और पेशेंट की भी हेल्प हो सके। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेशाब से प्रोटीन आता क्यों है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप इसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। और हम जानेंगे कि इसको ठीक करने के लिए, पेशाब से प्रोटीन रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे आप अपने पेशाब से आने वाले प्रोटीन को कुछ दिनों में रोक सकते हैं कुछ इलाज लेकर के। आज हम इस सब पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ठीक होना है और आपको अपनी किडनी बचानी है तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। पेशाब से प्रोटीन आने के कई रीजंस होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन जब आने लग जाता है जब किडनी में इन्फ्लामेशन चल रहा होता है, या तो किडनी में कोई स्वेलिंग हो रखी होती है या किडनी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया होता है तो पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। और बहुत सारी किडनी की गंभीर बीमारियां हैं जिसमें किडनी इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, MPGN है, और भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जो कि किडनी में इन्फ्लामेशन करती हैं और किडनी के जो नेफ्रॉन्स को डैमेज कर रही होती हैं। दूसरा कारण होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है और वो अपने इस ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज करता है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो ऐसे में किडनी जो होती है, किडनी में ब्लड आता है फिल्ट्रेशन के लिए और इसी ब्लड को किडनी वापस हमारे धमनियों में दौड़ाती है। और जब हमारा BP हाई रहता है तो जो ब्लड हमारा फिल्टर हो रहा होता है किडनी में, वो किडनी के नेफ्रॉन्स को बहुत तेज़ी से डैमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जब किडनी ब्लड में से प्रोटीन का फिल्ट्रेशन कर रही होती है तो वो यूरिन के साथ साथ आपका प्रोटीन भी बाहर निकालने लग जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती हैं। तीसरा कारण ये होता है कि कोई व्यक्ति जब ज़्यादा प्रोटीन का आहार ले रहा होता है, जैसे वो प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खा रहा होता है तो उसके भी पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है, या कोई व्यक्ति है जो जिम में जा रहा है और अपनी मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है तो ऐसे भी व्यक्ति के पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। लेकिन देखा यह जाता है ऐसे व्यक्ति के साथ कि कुछ दिनों बाद जब प्रोटीन उसके शरीर में सामान्य हो जाता है तो उसके पेशाब से प्रोटीन आना बंद हो जाता है। लेकिन वो लगातार अगर इसको लेता रहता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेता रहता है, तो ये एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है आने वाले समय में। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई एंटीबायोटिक ली, वो आपको रिएक्शन कर गई, क्योंकि कोई भी मेडिसिन है वो आपके ब्लड में जाकर ही आपकी बॉडी पे असर करती है और ब्लड आपका फिल्ट्रेशन के लिए किडनी के नेफ्रॉन्स में जाता है तो आपकी किडनी डैमेज होने लग जाती है, या आप बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप कोई सेक्सुअल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी आपकी जो किडनी होती है वो डैमेज होती है, क्योंकि सारा असर दवाइयों का आपके ब्लड में होता है और ये ब्लड ही आपकी किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं, कारण उनको पता है कि मेरे यूरिन में झाग आ रहा है, मेरे यूरिन से प्रोटीन आ रहा है, तब भी वो सिगरेट, तंबाकू, वाइन, बियर और चाय, कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे में जो उनके शरीर के अंदर एसिड लेवल होता है वो बढ़ने लग जाता है और उनका ब्लड एसिडिक रहने लग जाता है। जितना ज़्यादा ब्लड एसिडिक रहेगा उतना ज़्यादा वो आपकी किडनी में जाकर के आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करेगा ही करेगा। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि पेशाब से प्रोटीन आखिर आता क्यों है। अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के ऊपर। तो देखिए, इसका इलाज डॉक्टर्स जो करते हैं वो आपको स्टेरॉइड्स देते हैं, वैसलोन की टेबलेट देते हैं और आपके BP को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देते हैं, और आपको नोडोसिस दिया जाता है। नोडोसिस इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो ब्लड एसिडिक हो रखा है वो न्यूट्रल रहे और आपके ब्लड का pH सामान्य रहे, ताकि आपकी किडनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो आपके पेशाब से प्रोटीन आना बंद हो सकता है।
नमक जो होता है सबसे ज़्यादा किडनी पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो नमक होता है वो हमारी बॉडी के अंदर पानी के बैलेंस को बना के रखता है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपको प्यास ज़्यादा लगती है और आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। पानी ज़्यादा पीने की वजह से आपकी किडनी को डबल काम करना पड़ता है, एक तो आपके ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, दूसरे आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूड है उसको बाहर निकालने के लिए उसको मशक्कत करनी पड़ती है। आपकी किडनी पहले से ही कम काम कर रही है और भी ज़्यादा कम काम करने लगती है, तो इसलिए एक किडनी पेशेंट को नमक का सेवन बहुत ध्यान से करना चाहिए और अगर उसको प्रोटीन बंद करना है तो उसको नमक छोड़ देना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और उसको जितने भी प्रकार के तम्बाकू, गुटखा, वाइन, बियर, दारू वगैरह वो इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी क्विट करनी चाहिए। उसको घर का बना हुआ ही खाना खाना है, शुद्ध खाना खाना है, बासमती वासा खाना नहीं खाना है। ज़्यादातर दाल रोटी चपाती खाए तो बहुत अच्छा होता है। देखिए मिथ है कि ये सब धारण कर दिए गए हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि चिकन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटीन आपकी दालों में भी होता है। अगर एक किडनी पेशेंट दालों का सेवन करता है, राजमा वगैरह खाता है और उसके पिसाब से प्रोटीन आ रहा है सिर्फ और उसकी किडनी ठीक है तो वो सब खा सकता है और इससे उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और धीरे धीरे उसका शरीर का जो दिक्कतें चल रही हैं उसकी किडनी में वो भी सामान्य होने लग जाती हैं। तो डाइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो डाइट में आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, दालें ज़्यादा खाएं, चिकन मटन जितना भी मीट वाला पदार्थ है वो बिल्कुल ना खाएं तो वही अच्छा होगा आपके लिए। और अंडा वगैरह भी ना खाएं, आप दालें खाएं, आप पनीर खाएं, आप दही खाएं, लस्सी पिएं। तो प्रोटीनूरिया के पेशेंट को इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और जहाँ तक हो सके नमक कम खाएं, तेल मसाले वाला खाना कम खाएं और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। ज़्यादा गाजर खाएं, ज़्यादा पालक खाएं, मेथी वगैरह खाएं। अभी ठंडे आ जाएंगी, बहुत सारी सब्जियां आने लगेंगी, तो ऐसे करके आप अपनी बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हैं। हम जो भी खाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर ज़रूर होता है और आप खा करके देखिएगा, एक शुद्ध शाकाहारी खाना आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिखेंगे। फ्रेंड आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करता हूं, बट मेरे पास कभी समय नहीं होता है इसलिए मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। तो नाराज़ मत होइए, मैं आपके सबके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग आजकल चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं पर पता नहीं क्यों चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी का आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और साथ में फ्रेंड वीडियो को शेयर भी करिए ताकि इससे और किसी किडनी रोगी की मदद हो सके और वो अपने पेशाब से प्रोटीन आने की समस्या से निजात पा सके। तो फ्रेंड चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद। पेशाब से प्रोटीन आना एक गंभीर रोग की तरफ इशारा करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके यूरिन से प्रोटीन आ रहा होता है और ये पेशाब से जो प्रोटीन आता है यही आगे चलकर किडनी को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। अगर आज आपके पेशाब से +1 या +2 प्रोटीन आ रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसके भी पेशाब से प्रोटीन आ रहा है या जिसके भी पेशाब से एल्बुमिन आ रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें ताकि इससे किसी और पेशेंट की भी हेल्प हो सके। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेशाब से प्रोटीन आता क्यों है।